दलितों को अपमानित करने का काम हम भी लोग कर रहे हैं, दलित कहकर कमजोर करके। भगत सिंह जी ने बोला समानता की लड़ाई चालू करो। हमारे देश में जाति दो रह गई, एक गरीब और दूसरी लखपति। बड़े लोग छोटे लोगों को दबाकर कुचलकर अन्य अत्याचार करके, भाई साहब ने बोला हमारे गांव में बच्चे को जला दिया, मुख्यमंत्री जी के साथ में रहने वाले बॉडीगार्ड ने उसके दोस्त ने, क्योंकि उसके जेब पैसे से भरे है उसका दबदबा, मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो है, इसलिए अत्याचार कौन कर रहा है जिसके पास पैसा है। माननीय विधायक जी ने बोला दलितों का दुश्मन कौन है उनसे कहिए, उनको ढूंढिए, चाहे किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो, अगर दलितों के पक्ष में वो काम करता है, लेकिन हम जाति के नाम पे उसको भी दुश्मन मान लेते हैं। ये भी हमारी सोच थोड़ी सी गलत है दोस्तों, क्योंकि दलितों के पक्ष में अगर बात करें चाहे किसी भी। सुबह 10:30 से चल रहा है, में मैं दो बात कहना चाहूंगा कि 11 बजे से लेकर अब 3:30 बजे तक जो चर्चा हुई, डॉक्टर रावते जी ने जिस बात को उठाया था और वो जो समस्याएं हजारों है उसका निदान क्या होगा, तो एक लाइन में स्टेटमेंट है जो हमारे देश में संविधान है, संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता समता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की रचना देश का निर्माण करना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यही ऑब्जेक्टिव अगर जन संगठनों ने बना लिया है तो मुझे लगता है किसी भी बात का किंतु परंतु नहीं है, समस्या हजारों आएगी। और जो लोकतंत्र की जो मजबूत पिलर है, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका प्रचार माध्यम या जन संगठनाएं, अगर इस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो कोई भी समस्या आड़े नहीं आएगी। और जिनसे हमारी मांग करने की बात की कि इन जन संगठनों मतलब इन जो डेमोक्रेसी के पिलर है लोकतंत्र के पिलर है, इनके ऊपर जनसंख्या का जो विश्वास उड़ गया है, जनता का विश्वास उड़ गया है, जो भाई साहब ने कहा बात सही है, नक्सलाइट मूवमेंट कभी 70 जिलों से आज 220 जिलों में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जनता के विरोध में आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। इसके पूर्व जो पास्को की बात है या जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात है वो सारे जनता के विरोध में बात है, यही कंक्लूजन है। इसीलिए हमको संविधान के ऊपर भरोसा रखकर उसके ऊपर कार्य करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग का भी वही हाल होगा जैसे लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर विश्वास उठा के हथियार उठा लिया। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के तहत हम आगे अपने अधिकार अधिकारों की लड़ाई को जारी रखेंगे। इस सत्र को मैं यही समाप्त करता हूँ और अगले सत्र के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक माननीय डॉक्टर सुनीलम जी, कृपया वह मंच पे आए, तथा हमारे दिल्ली से पधारे हुए HRLN के संजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आए, तथा साकलनी जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए अपना स्थान दूं। हमने राइट टू फूड का जो सेशन था उसको कल के सत्र के लिए रखा है।